अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बोरा स्टाइल हलीम की रेसिपी बताएंगे। उसके लिए हम लेंगे आधा किलो गेहूं। गेहूं को रात भर पानी में भिगो दिया था, हाफ टी स्पून बाइकार्बोनेट सोडा डाल के, 14 ग्लास पानी, आधा किलो गोश्त बोन्स के साथ, नमक, 4 टेबल स्पून हरी मिर्च पेस्ट, 2 टी स्पून अदरक पेस्ट, 2 टी स्पून लहसुन पेस्ट। अभी पानी को हमने बॉयल करने के लिए रख दिया था, अब इसमें गेहूं डालेंगे। गेहूं, गोश्त, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा और अगर पानी की भी जरूरत हो तो आप डाल सकते हैं। अब इसमें जोश आ चुका है, अब इसकी फ्लेम स्लो कर देंगे। लो फ्लेम रखिए, अब हम इसे कवर कर देंगे। इसको पूरा कवर नहीं करना है, बस इतना करना है इसके, इसलिए कि इसका पानी बॉयल होके बाहर आ जाएगा। इसको वक्फे से चेक करते रहना होगा। अब हम चेक करेंगे। अब गोश्त और गेहूं को गलने तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। गोश्त और गेहूं अब गल चुका है। अब ये देखिए बूटी भी बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। इसमें 14 ग्लास पानी डाले थे, फिर बाद में मैंने 2 ग्लास ऐड किया था क्योंकि गोश्त गला नहीं था। जब हमने बॉईल करने के लिए रखा था तो उस वक्त आधा पौने घंटे के बाद ढक्कन को पूरा कवर करना है कि फ्लेम बहुत स्लो रखनी है। गोश्त और गेहूं अच्छी तरह गल जाए और चिपके नहीं। अब गेहूं में से गोश्त को अलग कर दिया है। अब गोश्त को हड्डी से अलग करके बोटी सिर्फ डालेंगे हलीम में और हम ग्राइंड करेंगे। अब इसमें हड्डियों में से बोटियां अलग कर दी हैं। ग्राइंड करने से पहले अब अच्छी तरह चेक कर लेना कि इसमें हड्डी ना हो। अब इसको ग्राइंड करेंगे। आपको जितना पतला रखना है, जैसा भी रखना आपके ऊपर है, इस तरह ग्राइंड करते हैं। अब ये ग्राइंड हो चुका है, ये इस तरह ग्राइंड किया है। अब इसमें प्याज का बघार देंगे। हलीम को हमने धीमी आंच पर तवे पर रख दिया गर्म करने के लिए। एक प्याज ली है, उसको इस तरह बारीक काट के फ्राई करके इसका बघार देंगे हलीम में। प्याज को थोड़ा ब्राउन करना। ब्राउन प्याज हो चुकी है, अब हम इसे हलीम में डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अदरक, पुदीना और हरी मिर्च काटिए, इसको हलीम में डाल देंगे। इसको हलीम में मिक्स करने से और भी फ्लेवर आ जाएगा इसमें हलीम में, और बाकी थोड़ा ऊपर भी डालने के लिए रखना है। हलीम में मैंने फ्रेश लेमन भी मिलाया है। अब ये तैयार हो चुका है, इस पे हमने गरम मसाला भी छिड़का था। अब इसको घी से बघार देंगे। घी को बहुत गरम करना है। अब आप डबल रोटी और कढ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं।